हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि पाइथन पर हम पैटर्न प्रिंटिंग ascii पैटर्न प्रिंटिंग कैसे कर सकते हैं। आपने पैटर्न प्रिंटिंग तो किया होगा, लेकिन ascii पैटर्न प्रिंटिंग की बात करते हैं। लेते हैं यहां से ये पाइथन का आईडी हमारे पास ओपन हो चुका है, हम यहां से न्यू फाइल ले लेते हैं, ठीक है। और यहां पे हमें काम करना है, तो अब हमें क्या करना है, यहां पे कोड लिखना है। तो आइए कोड लिखते हैं, बनाते हैं a इज इक्वल टू, मैं यहां लिखता हूं int, int टाइप का हम डेटा टाइप लेंगे, इनपुट, इनपुट एक फंक्शन है, ठीक है, जिसके अंदर हम जो चीजें लिखना चाहते हैं वो चीज लिख पाते हैं। एंटर द नंबर ऑफ रोज, आर ओ डब्ल्यू एस, ठीक है, ये लिख दिया हमने, और इसको क्या क्लोज, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आप डबल रोटेट कॉमा की जगह सिंगल रोटेट कॉमा भी ले सकते हैं, ठीक है। यहां पे मैं सिंगल रोटेट कॉमा ही ले लेता हूं आपको दिखाने के लिए। ये सी लैंग्वेज नहीं है कि आप डबल रोटेट कॉमाज में नहीं लिखेंगे तो आपका प्रोग्राम गलत हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंटरफेस कीजिए, नीचे आइए, यहां पे हम फॉर लूप लगा लेते हैं। तो यहां फॉर लूप ऐसे लगाते हैं, हम एक वेरिएबल और बनाएंगे लूप चलाने के लिए, आई, आई इन रेंज, ये रेंज भी एक प्रकार का फंक्शन ही है, ठीक है। तो रेंज में हमने क्या लिया है, ए लिया है ना, तो यहां ए लिख दिया हमने। तो अब यहां पे ए को किया क्लोज और यहां लगाया कोलन, कोलन लगाने के बाद यहां पे हैश जीरो, ठीक है, कॉमा वन कॉमा टू कॉमा थ्री, ये दे देंगे हम, ठीक है। इसका इसके बाद आगे आएंगे नीचे, तो यहां लगाएंगे प्रिंट, ओके। तो सिर्फ आपको प्रिंट ही लिखना है, प्रिंट करवाने के लिए एफ नहीं लिखना है यहां पे, ये बात ध्यान देनी है। अब यहां पे कैर लेना है तो सी एच आर लेंगे हम, सी एच ए आर नहीं लेंगे, सी एच आर कैरेक्टर, ठीक है। और यहां पे लिखेंगे 65, ओके। 65 को लिखने के बाद इसमें आई को हम प्लस करेंगे, यानी आई की वैल्यू जो होगी वो प्लस हो जाएगी इसमें, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें यहां पे प्लस का साइन, प्लस का साइन देना है, यहां पे प्लस करेंगे। अब किसको प्लस करेंगे हम, इसमें हम प्लस करेंगे स्पेस को, ठीक है, यानी यहां स्पेस भी हम प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद करेंगे क्लोज और देन यहां लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आई प्लस वन से, आई प्लस वन से इसको कर देंगे मल्टीप्लाई और हमारा काम हो जाएगा पूरा। तो ये हो गया हमारा प्रोग्राम, ओके। तो अब इसको करेंगे हम सेव, तो आइए सेव करते हैं। मैं लिखता हूं प्रिंट डॉट पी वाई, आपको डॉट पी वाई लगाना होगा, नहीं तो ये प्रोग्राम चलेगा नहीं। तो ये हमने लगा दिया प्रिंट डॉट पी वाई, आइए इसको रन करवाते हैं, देखते हैं प्रोग्राम चलता है कि नहीं। यहाँ इंटर नंबर ऑफ रोज आ गया, 5 रोज इंटर किए तो ए बी सी डी ई तक प्रिंट हुआ। चलिए आइए अब दूसरा इंटर करते हैं, ठीक है। इसी प्रोग्राम को दोबारा से रन करवाता हूं और इस बार हम एंटर करेंगे नंबर ऑफ रोज 10। तो यहाँ पे 10 हमने एंटर किया, तो ये इस तरह से पैटर्न बन करके के आया। आइए यहाँ पे कुछ और भी हम एंटर करते हैं, जैसे 26 अल्फाबेट होते हैं, तो ये पूरा का पूरा हम 26 एंटर करते हैं और देखते हैं कि कितना कैपिटल जो है, कैपिटल लेटर्स में कितने अक्षर प्रिंट होकर आते हैं यहाँ पे। तो ए टू जेड तक ये पूरा प्रिंट होकर आया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक ट्राइंगल पैटर्न है जो ए टू जेड तक पूरा प्रिंट होकर आ रहा है। चलिए अब इसमें कुछ चेंजिंग करेंगे हम, क्या चेंजिंग करेंगे आइए देखते हैं। ये 65 ए होगा, ठीक है। तो अगर 65 ए है, ठीक है, समझिएगा मेरी बात को, अगर 65 ए है, ठीक है, तो 65 ए है तो लास्ट कैरेक्टर कहां पर आएगा, 90 पे आएगा, 89 90। तो आइए यहां पे मैं 90 करता हूं, ठीक है, यहां पे मैं करता हूं 90। अब इसमें स्मॉल लेटर्स भी आएंगे, ठीक है, यह बात ध्यान दीजिएगा कि इसमें अभी तक कैपिटल लेटर्स आ रहे थे, क्योंकि मैं ascii वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूं तो कैपिटल लेटर्स आ रहे थे, ठीक है। 65 से स्टार्ट होता है कैपिटल ascii वैल्यू, ठीक है। अब यहां पे देखिए, अब स्मॉल लेटर्स भी आएंगे और कुछ कैरेक्टर्स, यानी कि कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे ब्रैकेट्स या कुछ स्लैश के साइन, ऐसे कुछ कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं प्रिंट होकर। आइए पहले मैं 12 कैरेक्टर प्रिंट करवाता हूं। 12 कैरेक्टर मैंने प्रिंट कराया, ये ट्राइंगल शेप में प्रिंट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम एक और इस पे देखते हैं, ट्राई करते हैं यहां से। यहां पे मैं 90 लिखा हुआ है, ठीक है, मैं यहां पे करता हूं 95, देन हम इसको प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। सेव करता हूं मैं इसको यहां से, तो सेव किया हमने और अब इसको प्रिंट करवाते हैं, ओके। तो यहां पे आ रहा है नंबर ऑफ रोज, तो मैंने यहां दे दिया नंबर ऑफ रोज 25, ठीक है। तो यहां 25 कैरेक्टर्स प्रिंट होकर आ रहे हैं। ऊपर के दो कैरेक्टर जो हैं, वही जो मैंने बताया अंडरस्कोर कॉमा
स्लैश, ये सब चीजें हो सकती हैं। और उसके बाद जो स्मॉल कैरेक्टर्स हैं वो सारे प्रिंट होकर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसके अमाउंट को कम करना है या फिर 95 से ज्यादा चलाना है हमें, तो यहां सपोज कीजिए हम 100 से चला रहे हैं इसको, या मैंने 100 लिख दिया, ठीक है, 100 की ascii वैल्यू जो भी होती होगी यहां पे प्रिंट होकर आ जाएगी। तो ये देखते हैं क्या है, तो यहां पे देख सकते हैं आप इंटर नंबर ऑफ रोज, हम यहां पे 10 रोज इंटर करवाना चाहते हो, तो आप देखिए डी है, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, और ये ट्रायंगल शेप में आ रहा है, यानी एक त्रिभुज के आकार में आ रहा है, ट्रायंगल शेप में आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी, और पाइथन नया भी है, काफी नया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, खासतौर पे हम लोगों के लिए, इंडियन के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।